चौकी प्रभारी व रिटायर्ड आर्मी के जवान के बीच बाजार में सड़क किनारे खड़ी बाइक को सीज करने को लेकर हाथापाई हो गई, जिसमें दोनों को कुछ चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि मामला मऊ जिले के शहर कोतवाली अंतर्गत सड़क पर बेतरतीब खड़ी दोपहिया वाहन को उठवाकर पुलिस कोतवाली ले जाने पर हुआ। पुलिस वाहन को कोतवाली ले आई और उसे सीज कर दिया। गाड़ी सीज होने की सूचना पाकर गाड़ी मालिक राजकुमार के रिटायर्ड जीजा भीमराव रांची से कारण पूछने के लिए सारहू चौकी पहुंच गए। कारण पूछने को लेकर दरोगा और रिटायर्ड आर्मी के जवान से कहासुनी होने लगी। ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों में बात हाथापाई तक पहुंच गई और दरोगा ने उनके साथ हुई घटना को लेकर कोतवाली में तहरीर दी है, जिस पर कोतवाल ने तहरीर को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुझे पता चला है तो मैं आया हूँ चौकी पर और मैं अपना नाम लिखवा दिया हूँ कि मैं राजकुमार गौतम, मेरा भांजा गाड़ी लेके आया है और ये साफ सीज कर दिए हैं गाड़ी। तो मैं कहा ठीक है, जब सीज कर दिए तो मैं छोड़ा दूंगा। जी मारा कौन है पहले दरोगा जी के ऊपर हाथ किसने? उस समय तो कोई वारदात नहीं हुई थी सर जी, जब आपने छोड़ दिया, जब कहा कि नहीं तब तो मैं चला गया। और उसके बाद क्या हुआ सर जी मुझे नहीं पता है। सर बच्चा और मैडम ने जो की मार्केट आया हुआ था, इधर नीचे देख के बोली सर, हाँ, जो की बच्चा ने गाड़ी खड़ा करके साइड में खड़ा करके रोड से साइड खड़ी थी गाड़ी। इन्होंने क्या किया जाता है कि उस मोटरसाइकिल को उठा के मोटरसाइकिल के पास गए, मैडम के पास चाबी थी, मैडम से चाबी लेकर के तुरंत थाने में आ गए और गाड़ी मैडम को बताया कि आपकी गाड़ी सीज हो गई है। मैडम ने टेलीफोन किया मुझे कि ऐसी बात है, दरोगा जी लेकर चले गए, गाड़ी सीज हो गई है, आप आ जाइए बात कीजिए। मैं दरोगा जी को रिस्पेक्ट के साथ सर से कहा कि सर मुझे किस कारण से हो गई। तो सर ने बोला रोड पर खड़ी थी। मैं बोला सर रोड पर नहीं खड़ी थी, साइड रोड में खड़ी थी गाड़ी। तो ये बोले कि आपने क्यों गाड़ी रोड पर खड़ी थी? मैं बोला सर, इन्होंने बोला कि आप गाड़ी का कागज क्यों नहीं दिखाए? मैं बोला सर जो पुलिस वाले थे उन्होंने चाबी लेकर के आ गए, जो चाबी लेकर आया था सिपाही वो दारू पिया हुआ था और दारू पी करके वो लेकर आया और इन दरोगा साहब ने उसको क्या किया कि वहाँ से भगा दिए। भगाने के बाद मैंने रिक्वेस्ट सर से किया कि सर ऐसा है कि ये आप नहीं करना चाहिए, इतने में इन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया है। नहीं सर, दरोगा जी ने तुरंत इन्होंने बोला कि मैं बोला सर ये बताइए कि जो सिपाही लेकर चाबी आया है तो चाबी तो उसके पास थी तो उसको देख लेना चाहिए कि एक मैडम से एक स्त्री से चाबी ले रहा है तो उसमें डिग्गी में सब कुछ उसका पड़ा है, डॉक्यूमेंट तो ले ले या चेक कर ले या उससे मैडम से पूछ ले। लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, उस सिपाही को भगा दिया। इसने इन्होंने दरोगा जी ने बोला आप कैसे सिपाही को तुमने बोल सकते हो, और तुरंत ऊपर से मेरे के ऊपर दो झापड़ मारा इन्होंने। यही तक बात है, दरोगा जी ने तुरंत मेरे ऊपर दो झापड़ उठाए सर उनका, और कि आपने पहले हाथ उन्होंने झूठा इंजाम दे रहा है कि आप फौजी होकर के मेरे ऊपर झापड़ उठाए, लेकिन सर उन्होंने एक वर्दी के नाते इन्होंने गलत इंजाम जो कि हमारे ऊपर लगाया। आप कहाँ पे हैं? आप फौज में? रांची में से अभी रिटायरमेंट हुआ हूँ सर। इन्होंने एक ग्रीन वर्दी के ऊपर इन्होंने बेतमीजी से कहते हुए मेरे ऊपर जोरों जोर से हाथ उठाया इन्होंने। क्या मामला था एक बार फिर? उन्नाव जिला क्षेत्र कादलपुर गांव निवासी एक परिवार बैंक से पैसे निकालकर घर वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार चोर मारपीट करते हुए पैसों से भरा हुआ बैग छीनकर रफू चक्कर हो गए। बैग में तकरीबन 1,00,000 रुपए थे। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आसीवन पुलिस चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है। क्या मामला है इसमें? जी मैं अपने मम्मी और पापा के साथ में हैदराबाद बैंक से 1,00,000 रुपए डिपॉजिट कैश लेके अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था कादिलपुर की तरफ। तो मकबूल खेड़ा पड़ता है मियांगंज और हैदराबाद के बीच में, वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो दो बाइक सवार हथियारों के साथ तमंचा लहराते हुए आए और मेरे बगल में गाड़ी लगा दी और मेरी माता जी से जिस पॉलीथीन में 1,00,000 रुपए रखे हुए थे उन्होंने वो छीन ली और तमंचा लहराते हुए निकल गए। उस पॉलीथीन में 1,00,000 रुपए कैश था,
3,77,000 की एक एफडी थी और हमारे कागजात डॉक्यूमेंट वगैरह थे, और उसके बाद में वो मियागंज तक की हमने पीछा किया, वो कहीं नहीं दिखा। किस कलर की गाड़ी थी, क्या नंबर देखा? गाड़ी जो थी रेड कलर की थी, शायद यमहा की एफजेड वगैरह थी, और उसका नंबर था UP30AU3130। क्या पुलिस ने इस मामले की तहरीर की है, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? जी, पुलिस हमारे साथ दोपहर से लगी हुई है, वो सारी फुटेज चेक कर रहे हैं हम अभी मियागंज चौराहे की पेट्रोल टंकी की, और जितने भी बीच में CCTV फुटेज कैमरा पड़ते हैं उनकी सारी फुटेज देख रखी हैं। अभी वैसे तो कोई सुराग नहीं लगा है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। यूपी के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव चचराई में कुट्टी काटने की मशीन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा भाई आया था छोटा, घर से भर्ती के लिए कागज पापर स्टेट कराने के लिए आया था, और वो ओवरलोडेड ट्रक ने उसको घुसा। कहाँ पर? ओवरलोड ट्रक ने। क्या नाम था मृतक का? रामू कुमार। निवासी कहाँ की? डूंगराजात। क्या मांग है आपकी? सर, हमारी मांग है कि हमारी आज की किस्म ख़राब है, इसके ऊपर ही उम्मीद थी, पिताजी हमारे हैं नहीं, तो जितनी सरकार से हो सके हमारी मदद। ट्रक वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उसके कार्रवाई करें। आपका क्या नाम है? एक्सीडेंट से एक युवक की मौत हुई है, क्या मामला सर? ये मामला मैं यहीं पे हूँ, मौके पे आप जैसा देख रहे हैं। रामू एक बच्चा है जो 20 साल का है, उसका एक सरिया लादे हुए ट्रक जा रहा था, उससे उसकी तो सरिया भाग गया जी ट्रक का थाने में। इसकी क्या सहायता कर रही है प्रशासन? प्रशासन की तरफ से तथ्य में संकलित करके अभी डीएम साहब को बताऊंगा घटनाएं होगी, और शाम तक सारे आंकड़े इकट्ठे करके इनकी माली हालत क्या है, घटना कैसी हुई, सब बना करके डीएम साहब को बताऊंगा। आपको कभी किसी ने मना किया? परेशान आदमी मरीज ले जा रहे हो, बाकी किसी का कोई चांस नहीं पड़े, वाहन कोई चांस नहीं है। क्या वो टाइम अरे पलंग देखो पलंग देख में जा रहा सुबह अभी ये सुबह बेचारा भर्ती देखने जाता था, गरीब आदमी है, उसका बाप नहीं था, बाप नहीं कुछ भी नहीं था, भर्ती देख के आया है। ज्यादा ज्यादा सुबह लोगों को गुजरा गुस्सा है, ग्रामीणों ने भाई पर दुराई पे लगाया जाम, न्याय की मांगी। और कैमरामैन आदित्य गौतम के साथ सुल्तान अंसारी, सीएम नूर, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। यूपी के जहांगीराबाद में करवा चौथ पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पति की लंबी आयु के लिए सुहागनों ने आज पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। देर शाम चंद्रमा निकलने पर अन्न जल ग्रहण किया। नगर के मोहल्ला कायस्थवाड़ा में मोनू जिंदल व राहुल जिंदल के यहाँ उनकी पत्नी प्रीति जिंदल व शालू जिंदल ने करवा चौथ के पर्व पर व्रत रखकर जहाँ अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की और छलनी से चांद से दीदार कर छलनी में अपने पतियों का भी दीदार किया और पूजा अर्चना की। करवा चौथ का पर्व क्यों मनाया जाता है? ये पति की लंबी आयु के लिए उनके लिए मनाया जाता है, करवा की पूजा करी जाती है, सुहागनी स्त्रियां ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही ये व्रत रखती हैं। और क्या क्या प्रक्रिया होती है इसमें? इसमें करवा माता की पूजा की जाती है, खानी की जाती है, लेडीज इसमें व्रत रहती है पूरे दिन,
शाम को भी खोलते हैं अपना जल दे के। करवा चौथ का पर्व क्यों मनाया जाता है? अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। और क्या क्या होता है इस पर्व पर? इस दिन सभी सुहागन औरतें व्रत रखती हैं और शाम को गौरी मैया की पूजा करके शाम चंद्रमा को जल देकर ही व्रत खोलती हैं। क्या नाम है आपका? शालू जी। गाजियाबाद में 25 सितंबर को हुए दिन दहाड़े अमित सेठ की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमित सेठ की हत्या के मामले में कल परिजनों ने एक कैंडल मार्च भी निकाला था। गाजियाबाद पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 3 शार्प शूटर है तो एक खुद अमित सेठ का पिछले 7 साल पुराना दोस्त है। और दोस्ती के हिसाब से दोनों ने पिछले कुछ समय पहले एक साथ एक फैक्ट्री में पार्टनरशिप भी की थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, कौन है आरोपी और किस प्रकार से इसका खुलासा हो पाया था? देखिए, दिनांक 25/9 को अमित सेठ जो कि एक व्यापारी थे उनके घर से निकलते हुए हत्या कर दी गई थी गोली बरसाकर। और उस हत्या में जो प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज में आया था 3 लोग हत्यारे उसमें सीसीटीवी में नजर आए थे। आज इस घटना का खुलासा हुआ है और इसमें जो तीनों जो 2 शूटर हैं 3 में से वो पकड़े गए हैं। जो इसका मुख्य षड्यंत्र करता था रोहित गुप्ता, जिस पर पैसे थे अमित सेठ के, वो इसमें पकड़े गए हैं। बीच में जो कराने वाले थे वीरू, इसमें पकड़ा गया है। और पूरे के पूरे केस का संपूर्ण खुलासा इसमें हुआ है। इसमें मुख्य बात ये थी कि अमित सेठ के लगभग 96 लाख रुपये रोहित के ऊपर थे। उन्होंने जब पैसे नहीं दे पाए और तगादा ज़्यादा हो गया तो उन्होंने रोहित अमित सेठ के मर्डर की साजिश रची। और उन्होंने एक सुंदर नाम का व्यक्ति है दुजाना का, उससे उन्होंने संपर्क किया। सुंदर ने वीरू से संपर्क किया और वीरू ने ये तीनों शूटर जो है अरेंज किए और इस घटना का शूटर्स ने अंजाम दिया। अमित और रोहित की दोस्ती कब से थी और किस प्रकार से एक दोस्त का विवाद? देखिए, ये काफ़ी जैसा कि आप विवेचना के दौरान आया, ये दोस्ती काफ़ी समय थी, 7-8 साल पुरानी इनकी दोस्ती थी। बीच में ये ड्राइंग का काम भी करता था, इसकी फैक्ट्री में पार्टनरशिप भी रही और पैसा इसके ऊपर आपस के जो लेन देन का जो पैसा था वो काफ़ी हो गया। और 96 लाख के लगभग जो बताया गया है, जैसे बताया गया उतना पैसा हो गया। जब तगादा किया गया और इसके द्वारा नहीं दिया गया तो उसने इनके मर्डर की साजिश रची और उसे इन शूटर्स के द्वारा अंजाम दिया। पैसे कितने गए थे सर इसमें हत्या करने में? जैसा कि अभी इन्वेस्टिगेशन में है, 5 लाख रुपए तय हुए थे और 2 लाख रुपए इसमें अग्रिम के रूप में चले गए थे। कमिश्नर बस्ती मंडल व सिद्धार्थनगर के नूरल अधिकारी अनिल कुमार सागर की अध्यक्षता में बांसी तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में आए 70 मामलों में से 2 मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया, बाकी मामलों का टीम गठित करके जल्द ही निस्तारण करने का आदेश दे दिया है। वहीं नोडल अधिकारी के साथ अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक सहित सभी तहसील अधिकारी मौजूद रहे। कुल कितने मामले आए, कितने का निस्तारण किया गया? तहसील बासी में माननीय आयुक्त बच्चों ने बच्चे भी आकस्मिक विषय पर आए थे, उन्होंने भी आवेदन का काम सुना है, उसी निपटार के लिए संबंधित वालों ने दे दिए। सर कुल कितने? उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में 21 तारीख को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी ने भारी पुलिस के साथ जिले में पैदल फ्लैग मार्च निकाला और नगरवासियों से अपील की कि 21 तारीख को होने वाले चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, किसी भी कीमत पर अराजकता का माहौल न बनाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पूरे जनपद के सभी थानों में ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया जो कि किसी तरह से भी माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। सभी को वार्निंग दी गई, जिनके खिलाफ रेड कार्ड देने की कार्रवाई या जिनको नोटिस देने की कार्रवाई है, जिनके 700 बंद कराने की कार्रवाई है, वो सभी कार्रवाइयों को लगातार करवाया जा रहा है और ज़्यादातर कार्रवाइयाँ सम्पूर्ण करा दी गई हैं। सभी के लिए एक ही संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार से चुनाव के समय कोई उपद्रव करने की कोशिश ना करें, किसी भी तरह से चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश ना करें और कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह से कानून का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। सर कितने रेड कार्ड जारी किए गए हैं आपकी तरफ से? इसमें 350 से ज़्यादा रेड कार्ड हैं जो इशू किए गए हैं और फिलहाल जो चिन्हीकरण लगातार जारी है और अभी भी इस समय जारी होता है।